मैंने सारे बर्तन अभी डिशवॉशर में डाले हुए हैं और इधर अब कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। ऑलराइट जनाब, तो सारे शरीकों के बदले करने के बाद ना आपने इसकी जो खूब सारी फैंटी लगाई है उस क्या कहते हैं उसको, नारियल का बुरादा, तो ये वो मैंने ऐड कर दिया। ये वो कह रही हूँ, अल्लाह कितनी जल्दी में हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मज़े में हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अभी मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ। अच्छा, मैं व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि ये व्लॉग संडे का है और ऑफ कोर्स आपको एडिटिंग के बाद मंडे को ही मिलेगा। तो यहाँ पे ना मैं फटाफट से किसी दावत में जाने की तैयारी कर रही हूँ और तैयारी में क्योंकि पॉट पार्टी थी, वन डिश थी, तो मेरे ज़िम्मे स्वीट डिश आई थी और ये मैं बनाने लगी हूँ, कैंडी डिलाइट। हाँ जी, तो बस फिर फटाफट से ना रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो कर मैं कुछ यूँ रही हूँ कि मैंने पाइनएप्पल लिया, 10 पाइनएप्पल के लिया और उसका जूस मैंने सेपरेट कर लिया और अब जो पाइनएप्पल के स्लाइसेस हैं ना उसको मैंने क्यूब्स में मैंने कट कर लिया। और अब यहाँ पे ना मैंने दो बड़े साइज़ के बनानास ली हैं। अच्छा, पाइनएप्पल का कैन मैंने एक लिया था और दो बड़े साइज़ के बनाना ले लिए और काफ़ी होंगे। अगर आपको बनानास और अच्छे लगते हैं ना डिज़र्ट में तो आप और भी डाल सकते हैं। और पाइनएप्पल और ये बनानास और साथ में जो हम एक और इन्ग्रीडियंट्स ऐड करेंगे ना उसका इतना मज़े का कॉम्बो बनते हैं ना, आई है मैं आपको क्या बताऊँ। तो ये खैर रेडी हो गया और इसको मैंने एक साइड पर रख दिया और अब बारी आती है नेक्स्ट स्टेप की। तो अच्छा, नेक्स्ट ना यहाँ पर जो मैं काम करने वाली हूँ ना वो है व्हिपिंग क्रीम बनाने का। वैसे तो आप सबको पता होगा मोस्टली लोगों को कि व्हिपिंग क्रीम कैसे बनाते हैं, मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपको बता दी जाए इसकी भी रेसिपी और थोड़ी बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स। तो भाई यहाँ पे ना मैंने डबल व्हिपिंग क्रीम ली है, आपकी कंट्री में जो भी अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। और यहाँ पे डेनमार्क में मुझे इसको पिस्के फ्लू कहते हैं जो मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो खैर मैंने इसको ना स्लो नंबर्स के ऊपर ना अभी चला दिया है बीटिंग के लिए। जब भी आपने क्रीम को बीट करना हो यानी व्हिपिंग क्रीम बनानी हो तो आपने ना उसे एकदम से शूं शां नहीं चला देना, आराम आराम से प्यार से इसको चलाना है। अब ये देखिए ये तकरीबन 2 से 3 मिनट हुए उसको आहिस्ता आहिस्ता बीट होते, तो उसके अंदर ना मैंने थोड़ा सा वनीला पाउडर ऐड कर दिया। वनीला पाउडर के ना थोड़ी सी शुगर भी होती है तो वो मैंने हल्का सा ऐड कर दिया, बड़ा मज़े का लगता है। एसेंस भी आप चाहें तो डाल सकते हैं। तो ये मैंने 1 टीस्पून डाल दिया है और साथ में थोड़ी थोड़ी जो बीट हो रही थी क्रीम वो होती रही। अच्छा, मैंने ना इसके अंदर शुगर ऐड नहीं की क्योंकि एक दफ़ा ना मैंने जब इसके अंदर शुगर ऐड कर दी थी तो ये डिज़र्ट ज़रूर से ज़्यादा ही मीठा हो गया था, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर जो बाकी चीज़ें ऐड करनी उसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है। तो मैंने शुगर ऐड नहीं की और ये तकरीबन 4 से 5 मिनट ना आराम से मैंने इसको बीट किया पहले, बिल्कुल 2-3 मिनट स्लो टेम्परेचर कह रही हूँ नंबर्स के ऊपर, बाद में मैंने एंड पर इसे फास्ट कर दिया और ज़्यादा थिक नहीं किया, थोड़ा सा हमने लिक्विड ही इसको फॉर्म में रखा है। और ये रहे जनाब कैंडी बिस्किट जिसकी वजह से मैंने इसमें शुगर ऐड नहीं की थी। और ये जो कैंडी बिस्किट्स हैं ना ये बड़ा ही सीक्रेट वेपन का काम करने वाला है, तो ये मैं फटाफट से इसको निकालूंगी और इसको क्रश कर लूँगी। आप चाहें तो इसे किसी मिक्सर में भी डाल के इसके क्रम्स बना सकते हैं, आप चाहें तो इसे किसी हैमर से भी पकड़ के ना अच्छी तरह से क्रश कर सकते हैं। तो मैंने ना अभी इसे पकड़ के एक हैमर से ही अच्छी तरह से ना किसी पॉलीथीन के बैग में डाल के क्रश कर लिया था। ऑलराइट जनाब, तो सारे शरीकों के बदले करने के बाद ना आपने इसकी जो खूब सारी फैंटी लगाई है उसके बाद ये देखें कितने अच्छे क्रम्स ना रेडी हो गए हैं फाइन से। और मुझे लगा था कि ये थोड़ा सा लीक हो रहा है सिंगल शॉपर के अंदर, तो मैंने डबल करके ना इसको फिर अच्छी तरह से इसकी ऐसी की तैसी कर दी और ये बस फिर आराम से ये क्रम्स हमारे रेडी हो गए। ऑलराइट जनाब, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पर मैंने व्हिपिंग बैग के अंदर ना व्हिपिंग क्रीम को डाल दिया है ताकि एक तो मुझे मसला ये था कि सारे बर्तन डिश वॉशर में गए हुए थे और दूसरा ये कि अच्छी बात इससे थोड़ी फाइन ग्रेसफुल लुक आ जाएगी डिजर्ट के ऊपर। मैंने सारे बर्तन अभी डिशवॉशर में डाले हुए हैं और इधर अब कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, तो बस फिर कोई ना कोई तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, जल्दी से बस फिर स्टार्ट करते हैं काम को। सबसे पहले जो मैं आपको बताऊं ये जो था हमारे पास क्रश कैंडी बिस्किट्स, सबसे पहले हम क्रश कैंडी बिस्किट्स को अंदर डालेंगे। अच्छा, कैंडी बिस्किट डालने के बाद ना हमने जो पाइनएप्पल सिरप पड़ा हुआ था ना जो कैन के अंदर से निकला था वो हम इसके ऊपर 2-3 टेबलस्पून डाल देंगे। उससे ये होगा कि अच्छी तरह से जो क्रम्स एंड ड्राई ड्राई से सोक हो जाएंगे और एक बड़ा मज़े का जूसी सा फ्लेवर आ जाएगा।
और उसके बाद बारी आती है व्हिपिंग क्रीम ऐड करने की। तो ये मैं बस आराम से ना इसको इस तरह पोर कर दूंगी और बस फिर इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो फ्रूट्स वगैरह हैं तो वो भी हम साथ में ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसकी जगह कोई से भी और फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने नोटिस किया है इतने सालों से डिज़र्ट बनाने के बाद कि यही कॉम्बो बेस्ट है फ्रूट्स का इस डिज़र्ट में। ओके, बस फिर फ्रूट्स डालने के बाद हम दोबारा से वही प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, कैंडी बिस्किट्स के क्रम्स, ऊपर थोड़ा सा सिरप, फिर व्हिपिंग क्रीम और फिर उसके ऊपर फ्रूट्स, और इसी तरह ये हम डिज़र्ट रेडी कर लेंगे लेयर्स के साथ। ऑलराइट जनाब, तो जो हमारी फाइनल लास्ट लेयर होगी ना वो व्हिपिंग क्रीम की होगी। तो बस फिर इस तरह मैं इसको स्प्रेड कर दूंगी और अब इसको थोड़ा बहुत ऊपर से डेकोरेट कर लेंगे और फिर इसे खूब सारा चिल्ड करने के बाद हम इसको एंजॉय करेंगे। तो बहुत ही मज़े का ये डिज़र्ट बनता है। जनाब, तो ये तो बन गया और अब जो बाकी की थोड़ी बहुत क्रीम बच गई थी ना उससे थोड़े से मैं फूल बूटे बना देती हूँ और मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ, वो तो मैं बनाए बगैर रह नहीं सकती। तो बस फिर वेस्ट भी करने की क्या ज़रूरत है, इसको हम जल्दी से ऊपर थोड़ा बहुत और डेकोरेट कर देते हैं और ये बस फिर मज़ेदार सा डिज़र्ट रेडी हो जाएगा। ये कंप्लीट हो गई और आप यकीन जाने कि ये लिटरली 15 मिनट्स में रेडी हुई है। बस थोड़ी बहुत क्रीम वगैरह का काम था, वो भी फटाफट से हो गया अगर आपके पास अच्छी मशीन है। और ये देखें, ये माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो गई है और अब इसको मैं चिल्ड करूंगी और फिर इसको मैं उनके घर लेके जाऊंगी। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही मैं इसको लेके कैसे जाऊँ, चलें देखते हैं। तो फिर मैं ये इसको रखती हूँ अंदर ठंडा होने के लिए। ऑलराइट जनाब, तो घर में आ गई थी और घर आते साथ ही फटाफट से मैंने कपड़े चेंज किए और खाना शाना खाने का बड़ा मजा आया उनकी तरफ, बड़ा अच्छा मेन्यू था। लेकिन सॉरी मैं आप कैप्चर नहीं कर सकी आप सबके लिए, लेकिन चले कोई नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। बहुत ज्यादा लोग थे और बहुत ज्यादा रश था तो मुझे मौका ही नहीं मिला कैप्चर करने का। खैर, तो मैं घर आ गई थी, कपड़े शपड़े चेंज किए और बच्चों को मैंने नहाने धोने के लिए टॉयलेट में भेजा के जाके थोड़ी बहुत अपनी शक्लें ठीक करके ऑफ हुए। कल से फिर से अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग डे स्टार्ट हो रहा है। मंडे हमेशा मुश्किल होता है, कोफ्त होता है मंडे का सोच के ही। तो ना अभी मैंने जो एक काम करना है जिसका मैंने आपसे वादा भी किया था, मैंने ना ब्रेकफास्ट बनाना है, क्विकेस्ट ब्रेकफास्ट, और ग्रनोला कब बनाऊंगी मैं और बिल्कुल 5 मिनट में रेडी हो जाएगा। इतना मजे का भी होता है और हेल्दी भी होता है, तो और क्या चाहिए आपको। तो फटाफट से ना इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ओके जी, तो यहाँ पे मैंने एक क्यूट सा कप ले लिया है और ये ना बड़ा अच्छा रहता है ब्रेकफास्ट के लिए। तो इसमें ना मैंने यहाँ पे चेरी सॉस डाल दी है, ये शुगर फ्री सॉस है। आप चाहें तो इसकी जगह जैम या हनी भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा टच ऑफ स्वीटनेस मैंने देने के लिए ये सब ऐड किया है। आप चाहें तो इसके अंदर मैपल सिरप भी ऐड कर सकते हैं। तो खैर, मैं बातें कितनी करती हूँ, रेसिपी भागी जा रही है। तो यहाँ पे ना मैंने उस सॉस को डालने के बाद उसके ऊपर जल्दी से योगर्ट डाला और उसके ऊपर अब मैंने ग्रेनोला डाल दिया है और ये मैं चॉकलेट क्रंची बड़े मज़ेदार सा ग्रेनोला लेकर आई थी। इसको मैं ऊपर डाल दूँगी और साथ में ये जो रहा ना शिया सीड्स है, ये मैं 1 टीस्पून ऐड करूँगी, ऊपर से स्प्रिंकल कर दूँगी। ये बड़े मज़े के लगते हैं जब आप इसको कुछ देर बाद खाएंगे ना, तो ये बहुत मज़े का फ्लेवर देंगे। खैर, ये मैंने अंदर ऐड कर दिए और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है ना ये है कोकोनट फ्लेक्स, यानी क्या कहते हैं उसको, नारियल का बुरादा। तो ये वो मैंने ऐड कर दिया, ये वो कह रही हूँ, अल्लाह कितनी जल्दी में हूँ मैं, तो ये वो ऐड कर दिया मैंने, ये बहुत मज़े का फ्लेवर देता है। और साथ में ये मैंने अनार के कुछ दाने ऐड कर दिए और साथ में कुछ ब्लूबेरीज और ग्रेप्स वगैरह ऐड कर दिए। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के कोई भी फ्रूट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। और बस फिर दोबारा से मैं इसके ऊपर योगर्ट ऐड करूँगी और दोबारा से फिर ये मैं ना प्रोसेस रिपीट करूँगी। अल्लाह, सांस चढ़ गया मुझे।
अच्छा, जब आप इसके अंदर अनार के सीड्स डालते हैं ना और जाके जब मुंह में आपके पॉप होते हैं तो बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत इसी तरह से दोबारा से प्रोसेसिंग लेयर्स की, रिपीट की, और बस फिर यूँ ही हमारा मज़ेदार सा एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट क्विकेस्ट कप हमारा रेडी हो जाएगा। और ये बहुत हेल्दी है, बहुत सेटिस्फाइंग है। आप चाहें तो इसको रमदान आने वाला है सहरी में भी यूज़ कर सकते हैं। इसको खाने के बाद ना आपको काफ़ी देर तक भूख ही नहीं लगती है। और बस फिर ये जो छोटा सा चम्मच था ना इसके साथ, वो भी मैंने इसके अंदर ही रख दिया ताकि आसानी से मैं इसको निकालूं और फिर इंजॉय करके खा लूं। अच्छा, मज़े की बात है, इसके बाद थोड़ी सी और भी इन्होंने ना एक स्पेस पॉकेट टाइप की बनाई हुई है। तो वो जो है ना छोटा सा, इसके अंदर मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा, ये मेरे पास किसी और फ्लेवर की मूसली पड़ी हुई है तो ये भी मैं अंदर ऐड कर दूंगी। ये चेरीज़ वगैरह, चेरीज़ या बेरीज़ वाली है, तो ये मैं अंदर ऐड कर दूंगी ताकि अगर थोड़ा सा अंदर ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है ये ओट्स, तो इसके ऊपर थोड़ा क्रंची क्रंची डाल के मैं और इन्जॉय कर सकूँ। आए हाय, कितना मज़ा आने वाला है ना सुबह सुबह मुझे। और बस फिर इसके लिड को मैं बंद कर लूँगी। और ये लिड मैं कितनी देर से लगाने की कोशिश कर रही हूँ, लगता है ज़्यादा ही चीज़ें डाल रही हैं और ये बंद ही नहीं होने को आ रही है। खैर, अल्लाह अल्लाह करके ये बंद हो गई थी। अच्छा, मज़े की बात है कि अगर आप ऐसे फ्रिज में 3-4 दिन तक कप्स बना के रखें ना तो ये आपका ख़राब नहीं होने वाला। और मैंने इसके अंदर फ्रूट्स भी वही वाले डाले हैं जो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। तो बस फिर आप इसको जब चाहें आराम से इंजॉय कर सकते हैं। ओके जनाब, सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर मस्त किया करें, दुआ में याद रखा करें। अब तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।